इसको हेडलैम्प केसिंग बोलते हैं, ये मेरा ख़राब हो गया था, इसको भी चेंज करके उन्होंने फटाक्षे दिलवा दिया यार। और ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा फाइनली मेरी गाड़ी वापस नई हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज फाइनली मतलब एक महीने बाद मुझे फ़ोन आया सर्विस सेंटर से कि आपका ये मतलब हेडलाइट का जो पार्ट वाला एरिया है मतलब ये आ चुका है और इसके वजह से जा रहा हूँ मैं चेंज कराने इसको। अब देखो कब तक ये चेंज होता है क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कब कितना टाइम जाएगा। अभी मॉर्निंग में मुझे बुला रहे हैं, अभी मॉर्निंग के 10:30 बज रहे, तो इनको मुझे लगता है टाइम शाम तक हो जाएगा। शाम तक तो टाइम लगेगा क्योंकि देखो क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग सर्विस कराने आते हैं, ठीक है, तो सर्विस कराने आते हैं उसके वजह से मतलब टाइम जाएगा। उन्होंने बोला था कि आप आइए, आपका मतलब या तो गाड़ी आप यहाँ पे रख के जाइए या तो आप इंतज़ार भी कर सकते हो। ट्रैफिक हो रही है यार, तो ये साइड का पूरा पार्ट खोलेंगे फिर उसको चेंज करेंगे। और क्या होता है ना, आज देखो इसलिए टाइम लग जाएगा क्योंकि जो मुझसे पहले भी आएंगे उनका काम होने के बाद ही मेरा काम होगा। आप लोगों को इस रास्ते में 3-4 वीडियो देखने मिल गया होगा, आप लोग भी बोर होते होंगे यार, एक ही जगह बार बार लेके जा रहा है, क्या करूँगा इस बार बार ऐसा टाइम ही आ रहा है। मतलब कि सर्विस सेंटर जब बुलाते हैं सर्विस सेंटर वाले तभी इधर जाता हूँ, वरना इधर मुझे आना नहीं रहता। या तो फिर घूम के 15-20 किलोमीटर घूम के आओ हाईवे से, और ये वाला क्या नज़दीक वाला रास्ता है मेरे यहाँ से 5-6 किलोमीटर का रास्ता है कुछ। यार कितना कचरा हो रहा है, बाप रे, ट्रक वाले लोग देख रहे हो कितना कचरा उड़ा रहे या भाई। अरे माँ कसम, अरे यार फंस गया मैं तो। चलो भागा भागा भागा, इतना कचरा हो रहा है। मतलब क्या होता है ना, बड़े बड़े जो ट्रक वाले होते हैं उनसे उनका झाड़ में जो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं जितने भी उसमें ना लग जाते हैं, तो उसके वजह से ना पूरा कचरा गिरने लगता है, तो पीछे वाले लोग को भी दिक्कत होता है। जब से मोटो ब्लॉग अपना चालू किया है आज तक एक भी मतलब मैंने राइड नहीं किया है, बाहर कहीं राइड नहीं किया है, सिर्फ नाला सुपारा का ही अभी तक राइड किया। और जो मतलब यहाँ रहता हूँ लोकल यहीं का वीडियो बनाया मैंने बहुत सारा, लेकिन कहीं बाहर नहीं गया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैं कौन से जगह पर जाऊँ मुंबई में। फिर उसके मुंबई के बाहर अगर जाना है तो उसके बाद उसके लिए तो टाइम है गाइस, पहले मुंबई का एरिया घूम लूँ थोड़ा, फिर बाहर का घूमूंगा थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो आप लोग देख लीजिए जीवदानी टेम्पल, आप लोग दर्शन कर लीजिए, ये है जीवदानी टेम्पल, काफ़ी नज़दीक है मेरे यहाँ से जीवदानी टेम्पल, सिर्फ 3-4 किलोमीटर का रास्ता है मेरे घर से जीवदानी टेम्पल का, काफ़ी फेमस मंदिर है गाइस। जो बाहर लोग हैं जो बाहर के हैं उनको नहीं पता, बता देता हूँ काफ़ी फेमस मंदिर है, विरार के एरिया में आता है ये मंदिर। गाइस अगर टाइम पे पहुँच गया तो आज ही मेरी बाइक मिलेगी, वरना कल ही मेरा मुझे बाइक मिलेगा। कल ही उन लोग ने बोल दिया था कि आप मॉर्निंग में आ जाना 9:30 के करीब आ जाना, और मैं अब भी आ रहा हूँ, तो अभी 10:30 बज रहे हैं। अगर आज मिलेगा ना तो मुझे अगर शाम तक वेट कराएंगे, उन लोग बोलेंगे शाम तक बैठो आप, या तो आप घर जाइए या तो शाम तक बैठो, तो मैं शाम तक बैठने वाला हूँ क्योंकि देखो बाइक लेके जाऊँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, कौन बार बार इधर आएगा फिर लेके जाएगा, तो इसकी वजह से। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर, विरार ईस्ट में आता है ये सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड का, और यहाँ थोड़ा काम जल्दी हो जाता है तो मैं इसकी वजह से यहीं पर आता हूँ बार बार। गाइस बाइक का काम चालू हो गया इसलिए मैं शोरूम में आया, और इसका प्राइस देख सकते हो 5000 है, और इन जितनी भी जैकेट है सबका 5000 प्राइस है, इसलिए अभी पैसा नहीं है, ठीक है कभी और लेंगे हम। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो कल अपनी बाइक तो नहीं मिल पाई यार क्योंकि प्रॉब्लम यह, उन्होंने बोला कि आपको भाई 24 घंटे बाद बाइक मिलेगी, क्योंकि अभी आपको बाइक नहीं दे सकते हम लोग के लिए, बस मतलब हम लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे कस्टमर है जिनका सर्विस कर रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से कल बाइक तो नहीं मिल पाई। अब आज जा रहा हूँ मॉर्निंग, अभी सुबह बज रहे 10, अभी फटाफट यहाँ से मतलब नहा होके तो देखो तैयार हो चुका हो, बस अब यहाँ से जाना है और वहाँ से मतलब बाइक लेकर आना है। एक बार चेक भी करूँगा कि बाइक में और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, तो एक बार देख लूँगा अच्छे से, फिर वहाँ से बाइक हम लोग लेके आएंगे। अभी मेरे पास बाइक नहीं है तो अभी मैं सिर्फ ट्रेन से जाने वाला हूँ यहाँ से, मतलब पहले नाला सुपारा स्टेशन जाऊँगा, फिर वहाँ से विरार के लिए ट्रेन पकड़ूँगा, फिर वहाँ से रिक्शा करके जाऊँगा सर्विस सेंटर, फिर वहाँ से बाइक लेके आऊँगा। तो चलिए अभी चलते हम लोग।
फाइनली मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं। अब जाते हैं अंदर और अपनी गाड़ी लेते हैं, देखते हैं कैसी गाड़ी अपनी। तो गाइस मैं बता रहा हूं, तुषार भाई जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ पे वो मैनेजर है। उन्होंने मेरा सेंसर भी यहाँ पे साइड स्टैंड का सेंसर भी फटाक से ठीक करा के दिया था। और अब मेरा ये जो है इसको हेडलैम्प केसिंग बोलते हैं, ये मेरा ख़राब हो गया था, इसको भी चेंज करके उन्होंने फटाक से दिलवा दिया यार। और ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा फाइनली मेरी गाड़ी वापस नई हो चुकी है, फाइनली मेरी गाड़ी मुझे मिल चुकी है रेडी होकर। अब मैं रॉयल इनफील्ड से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम जो था मुझे सब मिल करके मिल गया यार। तो एक चीज़ तो मुझे अच्छा लगा यार कि देखो हर सर्विस सेंटर वाले ख़राब नहीं होते, आपको कोई कोई सर्विस सेंटर वाले ही होते जो काम अच्छे से नहीं करके देते, जैसे विरार वाले हैं काम करके अच्छे से देते, तो ऐसे बहुत जगह होंगे जो अच्छे से काम करते होंगे। गाइस जो मेरे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे उनको बता देता हूँ, वो हेडलैम्प केस जो है ये मेरा ख़राब हो गया था, इसमें कैसा बबल आ गया था और कलर फेड हो रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। 6 महीने से करीब परेशान था कि मुझे चेंज करके मतलब मिल जाए, बट मिल नहीं रहा था। जहाँ से मैंने गाड़ी परचेस किया था, जहाँ से मैंने बाइक परचेस किया था, वहाँ पे भी कितनी बार कंप्लेंट किया बट नहीं चेंज करके मिला। और फिर उसके बाद वसई में भी कराया, वहाँ पे भी नहीं चेंज करके मिला। फिर यहाँ पे फाइनली मैं जब विरार में आया तो यहाँ पे मैंने पहले कंप्लेंट किया रॉयल एनफील्ड को, फिर यहाँ पे विरार में आया तो मुझे यहाँ पे चेंज करके फाइनली मिल गया मुझे। गाइस मुझे इस बाइक को लेकर टोटल 18 महीना हो गया और पता ही नहीं चलता कि मेरी बाइक 18 महीना हो गया, इतना एकदम नया लगता है। बाइक को भी मेंटेन करना चाहिए क्योंकि यार ये इमोशन मशीन है अपनी। अभी जैसे मेरे लिए तो भाई देखो एक मेरी ड्रीम बाइक थी, जब मैं छोटा था तो हमेशा सोचता था यार कभी भी बड़े होऊंगा तो मैं पहले तो बाइक लूँगा तो रॉयल एनफील्ड ही लूँगा। मेरे लिए एक बाइक नहीं है, मेरे लिए समझ लो एक मेरा एक परिवार है, तो इसके लिए मैं इसको इतना अच्छे से मेंटेन मैं रखता हूँ, एकदम हमेशा नीट एंड क्लीन रखता हूँ, क्लीन एकदम करके रखता हूँ, जो कि इसमें एक भी मिट्टी भी नहीं लगने देता, इतना अच्छे से रखता हूँ। तो गाइस चलिए पहले घर जाता हूँ और घर जाके इस बाइक को वॉश करता हूँ, तो वॉश करने बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी अपनी गाड़ी क्लीन हो चुकी है और क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो आप एकदम मस्त न्यू लग रही है। और आपको दिखा देता हूँ पहले ये कैसा था। तो गाइस पहला कुछ इस तरीके से था और पहले यहाँ पे स्क्रैचेस थे और यहाँ पे बबल आ गए थे सब, ये सब देख सकते हो आप, अभी एकदम न्यू हो गया। अब जब भी शोरूम से लाया था कैसा पहले दिखता था सेम वैसे अब फिर से दिखने लगा, एकदम नया कुछ इस तरीके का लुक है, अब अच्छा लग रहा है बाइक। वैसे आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।